जा रहे हैं डीमार्ट अभी, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने क्योंकि 7 तारीख को हम लोग को निकलना है, तो हम लोग को डीमार्ट जा करके कुछ सामान लेना है। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या ले रहे हैं हम लोग। डीमार्ट आ गए हैं, अब हमें लेनी है शॉपिंग करनी है, सारे सामान लेने हैं, तो उसके लिए हम डीमार्ट आए हुए हैं। अभी आ गया था, अभी हमने सामान लिया है काफ़ी सारा, अब दिखाएंगे आपको घर पर क्या क्या लिया है हमने, तो थोड़ा सा वेट करिए। यार डे टू है, अभी सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, मेरा तो मतलब स्लॉट रेडी हो रहा है। ये कुछ कपड़े इनको वापस करना है मुझे डीमार्ट में। अभी जरा कैंची दे दूँ मैं, कैंची मांगी जा रही है मेरे से। ये लो कैंची, कैंची इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि इनके जो बैंड लगे हैं ये इस तरीके से ये कट रहे हैं। तो कपड़े ऑलमोस्ट रख लिए हैं, ये सारे कपड़े भी रखे जाएंगे। अरे कुछ यहाँ तक आ गई है कि मेरे कपड़े रेडी हो गए हैं, आज दूसरा दिन है और वो कपड़े भी जाने हैं डीमार्ट में लेकर के वापस करने, तो ये सब चीज़ें हैं अभी। बस यहाँ छोड़ दो, उठा लो सब। चलो सामान यहाँ पे रख लिया। गाड़ी का स्पेस इतना है, मतलब ये बूट है, मैंने सीट अभी डाल रखी है साइड में, आ जाएगा सामान, देखते हैं सेटिंग करते हैं सब इसमें। वापस आ गए हैं डीमार्ट, गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है, मतलब ये सामान ऐसे भरा हुआ, अभी सब सही करेंगे, बाकी तो सब पीछे का सेटअप हो गया है, ये मैंने लगा लिया, पीछे नीचे बैग भी रख लिया एक। अभी डीमार्ट आया, जो कल सामान वापस करना था वो, अब देखिए पीछे का जो सीन है वो कुछ ऐसा है, सब अच्छे से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी निकल रहे हैं, उससे पहले हम पूजा करेंगे, तो हम पूजा करके फिर निकलते हैं। हो गए थे लेट, अब फाइनली रेडी हुए हैं, अनिल भी सो गया था, हम लोग उठ नहीं पाए, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से लखनऊ के लिए। सारा सामान इधर लोड हो गया है और पीछे सामान जो है ना, ये देखिए पीछे यहाँ पर लोडेड है, ऑलमोस्ट हमने सही से लोड कर लिया है, कैसे क्या निकालना है सब डन है, अब बिल्कुल ओके है हर चीज़ यहाँ पर, देखिए ठीक है। पीछे भर लिया सामान, हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट। पीछे इधर भी सामान भरा हुआ है, डिग्गी में भी सामान भरा हुआ है, हालांकि मतलब इस तरीके से भरा हुआ है कि अगर इनको रेस्ट करना होगा तो ये सामान यहाँ आ जाएगा और ये आराम से पीछे रेस्ट कर सकती हैं, उसके बाद हम तो ड्राइव ही करेंगे, और मुझे अगर कहीं नींद लग रही होगी फिर रेस्ट करना होगा तो मैं चुपचाप साइड में लगा के गाड़ी कहीं सेफ जगह पे रेस्ट कर लूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी ड्राइव करूँ। अगर हमें भूख लग रही है और नींद इनको आ रही है, उनकी वजह से हमें आ रही है। तो अभी हमने एक मट्ठी खाई है, मट्ठी मतलब ये, अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं, मगर जो है ना ये हमारी जान ले रहा है, मतलब परेशान कर रखा है ट्रैफिक, हम बस चाहते हैं ये ट्रैफिक जल्दी ख़त्म हो और हम भारत दर्शन कर पाएं, बट ये ट्रैफिक हमें हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा ऐसा हमें लगता है। ठीक है भाई चलते हैं। क्या बोले इस जर्नी के बारे में, बोलो कुछ। अरे अभी जर्नी शुरू हुई है, रखो 15 रुपए पहले टैग में, मतलब 3,000 रुपए ऐड कर लिए, टोटल मेरा बजट 16,000 रुपए का है फास्ट टैग का, आगे जब आगे ऐड कर लेंगे बाकी जब खत्म हो जाएगा ये। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, अभी यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा मतलब रेस्ट करके। खड़ी उधर अपनी खड़ी है, तो ये है मेरा पहला टोल आगरा एक्सप्रेसवे के लिए जो कि कट चुका है, अब यहाँ से हम आराम से चलेंगे। अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, हाफ टंकी पूरा है, एवरेज जो है 13.4 का दे रही है और गाड़ी चल चुकी है 29,467 और अभी चल जाएगी 276 गाड़ी, मतलब 276 कैपेसिटी है अभी इतने पेट्रोल में, तो लेट सी चलता रहेगा ये।
11:10 हो गया है और हमने यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो डन कर दिया है। अब यहाँ से शुरू होगा लखनऊ का आगरा एक्सप्रेसवे जो कि सबसे बड़ा है, तो वहाँ पहुँच रहे हैं हम। अभी हम पहुँच गए हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे, बहुत ही सुंदर बनाया गया और टोल टैक्स हमारे 3 कट चुके हैं। अभी ये लखनऊ वाला शुरू हुआ है, यहाँ से सीधे नॉन स्टॉप चलना है लखनऊ के लिए। लखनऊ में भी हमारा जो काम है वो कुछ ही देर का है, वो करके फिर हम थोड़ा बहुत लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम फिर निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। तो लखनऊ में हमारा स्टॉप नहीं है आज का। लखनऊ पहुंचने में अभी लग जाएगा तकरीबन 1.5 घंटा और पेट्रोल डला लिया है तो नाइट्रोजन डलवा रहे हैं गाड़ी के अंदर अभी 33। पीछे मैं कम कराता हूँ, आगे ज़्यादा कराता हूँ हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी और सही से चलेगी, पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताना। एक और ब्रेक लिया है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक, चाय पिएगी और थोड़ा टॉयलेट वगैरह। ये बढ़िया सा एक लोकेशन है, चाय पीने का प्लान कैंसिल किया, आइसक्रीम खाने का प्लान सजेस्ट किया है ना। मस्त लखनऊ वाली रोड पे हम बहुत बार जा चुके हैं तो हमें बहुत बोरियत से फील हो रही है हमें, और साधना को नींद आ रही है, तो को नींद आ रही है। अभी यहाँ से जब अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे ना तो थोड़ी एक्साइटमेंट लगेगी कि नए नए रास्ते होंगे, अच्छा लगेगा। अभी तो बोरियत सी लग रही है, बस जल्दी पहुँच जाएँ। 50 58 किलोमीटर रह गया है, तभी हम कुछ दिखा भी नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार जब मैच देखने गए थे और बीच में भी गए थे तो हम दिखाते ही रहे, लेकिन हाँ एक जगह हम चलेंगे अभी जहाँ पर हाँ। तो अभी हम जो जा रहे हैं लखनऊ, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्लॉट पे जो हमने अभी परचेज किया था, वहाँ पर देखेंगे, जाकर के आपको भी दिखाएंगे, फिर थोड़ा बहुत लखनऊ घूमेंगे भी और कुछ खाएंगे पिएंगे भी लखनऊ का। जस्ट लखनऊ में हमारा वेलकम हुआ है, मतलब किसी ने किया नहीं है लेकिन हमारा वेलकम खुद ही हो गया है। गाड़ी में अभी हम लोग हैं और रेड लाइट पे बैठे हुए हैं, बस जस्ट यहाँ से निकलेगा फिर हम कानपुर वाली रोड पे जाएंगे, प्लॉट देखेंगे अपना, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो दिखाएंगे आपको। इनको बहुत नींद आ रही है तो अभी हम लोग थोड़ा लखनऊ भी घूमेंगे तो नींद भी उड़ जाएगी हमारी। तो ड्राइव करने के बाद काफ़ी मज़ा आया। आते आते यहाँ पर रात हो गई, बट ये हमारा प्लॉट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वहाँ तक, उसके बाद फिर वहाँ से, मतलब 30x50 1500 square feet आप समझ लो। और हम अपने प्लॉट से अब जा रहे हैं वापस सिटी की तरफ। सिटी बोले तो मतलब ये भी है, 2 किलोमीटर के बाद सिटी लग जाती है। मेरा प्लॉट थोड़ा सा आउटर में है, मतलब मैंने जानबूझ के इधर ही लिया है क्योंकि मुझे अपना अलग बनाना है बढ़िया सा। तो जा रहे हैं गांव गांव होते हुए, मस्त लग रहा है। नीलेश उधर आगे चल रहा है, गाँव की गलियाँ अच्छी लगती है ना, क्यों क्या बोल रहे हो? तो भैया नीलेश के दर्शन करिए, नीलेश के साथ हम लोग गए प्लॉट देखने। उसके बाद अब हमको ये लेके आए यहाँ पर राज वेज कार्नर पे, यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, अभी हम लोग खाएंगे। भाई साहब ट्रैफिक जो है, हमें लगता है कि खाली दिल्ली में ही ऐसा नहीं है, लखनऊ में भी ट्रैफिक लगने लगा है। मतलब देखिए यहाँ तक ट्रैफिक रश हो गया है, पीछे तो ट्रैफिक लगा ही हुआ है, आप देख सकते हैं उधर, ये देखिए। ओके फाइनली हम नीलेश से मिल करके अब हम जा रहे हैं भूतनाथ मार्केट, वहाँ चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको कुछ नए नए लोग। ये वो रास्ता है जो मतलब जब मैं जॉब करता था 2017-18 में, 18-19 में, हाँ 19 में, तब मैं इधर इसके उस तरफ, मतलब मेरा ऑफिस था वही, मैं साधना को बता रहा हूँ, तब यहाँ से मैं वहाँ तक वॉक करते जाता था। आज मैं इन्हीं रास्तों पे अपनी कार से जा रहा हूँ, इट्स कॉल्ड टाइम, मगर जाम बहुत है। वैसे मैं पैदल पैदल था तो भाग जाया करता था वहाँ से वहाँ तक, लेकिन अब जाम में फंसूँगा, ये दिक्कत है यार। तो ये हम चल रहे हैं अभी लखनऊ की रोडों पे और बड़ा मज़ा आ रहा है, साधना को दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैं वॉक, यहाँ पे मैंने बहुत वॉक की है, मतलब जब सफ़र था मेरी लाइफ में, जब मैं काम करता था, नौकरी कर रहा था,
तभी नहीं रास्तों पे जाया करता था मैं, कभी कभी लिफ्ट मांग के निकल जाया करता था। और आगे बौखंडी मंत्री निवास है, वहाँ पर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में मतलब स्टे किया है, वहाँ पर रहा हूँ मैं। और उसी के सामने 1090 चौराहा पड़ता है, वहाँ पर चटोरी गली है, खाते पीते हैं लोग, तो ये सब रास्ते हैं। बढ़िया एकदम। तो यार हम लोग कपड़े निकाल रहे हैं अपने, अब हम लोग अपना चेंज वगैरह करेंगे और लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे।